children, myself, Harishar is there. Today, I'll teach you the book Flamingo for class 12. In consequence of reading this book, first we would like to read the poem My Mother at 66, composed by Kamala Das. By the title of poem, it is well expressed that the poem has been explained about my mother. My mother means poet's mother. She is describing about his mother, who is at the age of 66. That is the age of old age. As you know, that Kamala Das was an Indian poet, belonged to South India. आप जानते हो कि कमला दास एक साउथ इंडियन कवित्री हैं और इन्होंने प्रस्तुत कविता में अपनी बूढ़ी माँ के बारे में एक संवेदनशील वर्णन किया हुआ है. बिफोर रीडिंग द बुक आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द पोएट कमला दास. कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला इन 1934. इनका जन्म, कवित्री का जन्म, सन 1934 में केरल के मालाबार तट पे हुआ था. As you know, the geographical situation of Kerala, you will find that Malabar is a coastal area of Kerala. वहीं पे इनका जन्म सन 1934 में हुआ था. She is recognized as one of India's foremost poet. इनको एक भारतीय चर्चित कवित्री के रूप में जाना जाता है. हर वर्ष आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड इंडिगनेस फ्लेवर ऑफ शायर. इनकी रचना स्वाभाविक, वास्तविक और भारतीय जमीन की सुगंध लिए हुए है. इनकी रचनाओं में भारतीय प्रकृति की छटा देखने को मिलती है, भारतीय जमीन की सुगंध मिलती है. कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. इनकी अनेक रचनाएं, कहानियों का संग्रह जिसको हम माधवी कुट्टी के नाम से जानते हैं, उसमें किया गया है, जो मलयालम में है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 और इनकी महत्वपूर्ण उपन्यासों में एक उपन्यास अल्फाबेट ऑफ नॉ लस्ट है, जो 1977 में पब्लिश हुआ. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हॉर्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992. 1992 में
इनकी प्रसिद्ध कहानी पद्मावती और कहानियों का संग्रह हॉरलॉट और अन्य कहानियां जो है पब्लिश हुई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, ये सारी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध 5 कविता की पुस्तकों से अलग हैं। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल एडियम्स। ये एक भावुक लेखक या कवित्री रही हैं जिन्होंने मानव मस्तिष्क की जटिलताओं का बड़े ही सुगम और सुरुचिपूर्ण तरीके से अपनी रचनाओं में वर्णन कर रखा है। My Mother at 66 is an example, और इसी तरह की सुरुचिपूर्ण और मानवीय संवेदनाओं से लबालब सरोवर इनकी ये रचना My Mother at 66, जिसमें कवित्री बयां करती हैं कि 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ कैसी थी और उनको देख करके मेरे को कैसा महसूस होता था। नाउ रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट सी थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट दैट दो अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। नाउ यू कैन सी दैट हियर आर सम वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स यू विल वेल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन If you know the meaning of each and every words, some difficult words are there. I would like to tell the meaning of those words. First is doze. Doze का मतलब होता है झपकी या ऊँगना। एशन, एशन का मतलब होता है मुरझा जाना, पीला पड़ जाना या फीका हो जाना। क्राप्स का मतलब होता है मुर्दा। स्प्रिटिंग का अर्थ होता है दौड़ते हुए। रनिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है गिरते हुए, फॉलिंग। वैन का मतलब होता है मुरझाया हुआ, बीमार या रोगी। नाउ यू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। एज यू नो दैट देयर इज अ पेकुलरिटी इन द पोएम। All the poem has been described in a single sentence. There is not a full stop between the all thing. आप इसमें पाते हो, अपने बुक को सामने खोलो और देखो कि कहीं बीच में फुल स्टॉप नहीं है। इतना लंबा एक सेंटेंस है जिसको कविता के रूप में कवित्री ने कहा है। अब कम टू द पॉइंट। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। कवित्री कहती हैं कि अपने पेरेंट्स होम यानी अपने माँ के घर से फ्राइडे को जब मैं कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी
अपने माँ के घर से मैं ड्राइविंग करते हुए कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। किस स्थिति में बैठी थी? डोज, डोज मीन्स ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, मुंह जो है खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट अ क्रॉप्स, और उनका चेहरा एक मुर्दे की तरह से मुरझाया हुआ था। एंड रियलाइज विथ पेन, और उनके चेहरे पे पीड़ा झलक रही थी। दैट सी थॉट अवे एंड लुक, बट सून पुट द थॉट्स अवे। कवित्री कमला दास कहती हैं कि एक दिन मैं अपने माँ बाप के घर से कहाँ जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी। माँ भी मेरे बगल में बैठी हुई थी, ऊँघ रही थी। उसका चेहरा जो है मुर्दे की तरह से मुरझाया हुआ था, मुंह खुला हुआ था, चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। आगे क्या कहती हैं कि दैट सी थॉट अवे एंड लुक, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट द यंग ट्रीज स्पिटिंग। कहता है कि दुख के साथ मुझे ये अनुभव हुआ कि वो क्या हो जाएंगी, इस दुनिया से चली जाएंगी। जब आप या कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप को देखता है तो उसके मन में यही भाव आता है कि अब इनके जीवन का अवसान काल आ गया है और जल्दी ही ये चले जाएंगे। इट हैज बीन डिस्क्राइब दैट एंड रियलाइज विथ पेन दैट सी थॉट अवे। दुख के साथ कवित्री ने ये महसूस किया कि ये हमसे दूर चली जाएंगी। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और मैंने शीघ्र ही अपने इस विचार को कि माँ मेरा साथ जल्द ही छोड़ करके चली जाएगी, लेखिका कहती हैं कि मैंने शीघ्र ही इसको अपने मन से दूर किया, दूर निकाल दिया। और क्या करने लगी? एंड लुक्ड आउट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट देयर होम्स। मैं बाहर अपनी तरफ तेजी से दौड़ते हुए वृक्षों को देखने लगी और उन बच्चों को देखने लगी जो अपने घरों से बाहर निकल करके और क्या हो रहे थे, कूद रहे थे, गिर रहे थे, डर रहे थे। कहती हैं कि इसको भुलाने के लिए, इस विचार को अपने मन से निकालने के लिए वो जो है खिड़की से बाहर देखने लगी। जब भी आप किसी कार में या किसी बस में पहली बार यात्रा करते हो तो इस बात को अच्छी तरह से तुम महसूस कर सकते कि क्या होता है। आप जब बस में यात्रा करते हो या ट्रेन में यात्रा करते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे जो भी पेड़ खड़े हैं, जड़वत रूप से खड़े हैं, उनमें पांव लग गए हैं, उसमें पैर लग गए हैं और वो दौड़ करके हमारी तरफ जो है आ रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि तुम्हारी पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं बल्कि तुम्हारी गाड़ी दौड़ रही है, और तुम जो है ऐसा महसूस करते हो कि पेड़ जो है दौड़ करके तुम्हारी ओर आ रहे हैं। इट वॉज सो हैपेंड दैट पोएटेस वॉज ट्राइंग टू सेट असाइड द मेंटल एगोनी विच सी वॉज रियलाइजिंग एट दैट टाइम वेन सी वॉज लुकिंग हर मदर
who was sitting beside her and taking a dose with open mouth and pale face. ऐसा तब हो रहा था जब वो अपने माँ को लेकर के कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी. माँ की स्थिति ऐसी थी कि वो ऊँग रही थी. उसका चेहरा जो है पीला पड़ चुका था, मुंह खुला हुआ था, चेहरे पे पीड़ा झलक रही थी. ऐसे समय पर ले कवित्री सोचती हैं कि इट वॉज द टाइम वेन हर मदर वॉज अबाउट टू लीव हर एकम्पनी एंड टू सेट असाइड सच टाइप ऑफ फीलिंग सी वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ हर कार एंड वॉचिंग द ट्रीज हु वर स्पीडली रनिंग टूवर्ड्स हर एंड द चिल्ड्रेन हु आर मैरिली गो आउट कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउस एंड फॉलिंग एंड अराइजिंग हैप्पीली. नाउ सी द फादर. But after airport's security check standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as late winter's moon and felt that old familiar itch. My childhood fear, but all I said was, see you, Amma. See you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. हवाई अड्डे पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, सिक्योरिटी के जो वर्कर थे, जब उन्होंने अच्छी तरह से हम लोगों की जांच कर ली तो मैंने अपनी माँ की तरफ अपना चेहरा घुमा करके देखा. वो किस तरह से दिख रहा था? सर्दियों के मौसम में जिस प्रकार से चंद्रमा पीले रंग का दिखता है, कुछ उसी तरह से उसकी माँ का चेहरा जो है पीला दिख रहा था. कहती है, आई लुक अगेन हर फेस वैन पेल एज लेट विंटर्स मून. कहता है कि मैंने देखा कि सर्दी के मौसम में जब उतरती हुई रात का जैसा उतरती हुई रात के समय चंद्रमा का जो कलर होता है, उसकी माँ का चेहरा कुछ उसी तरह से हो गया था. इट मीन्स अप्रोप्रिएट सिमली पेल वॉज यूज फॉर हर फेस. इसके लिए उपयुक्त उपमा पेल की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है. कभी कहती है कि मैंने अपना चेहरा घुमा करके अपने माँ के पीले मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखा. फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच और उनके पुराने चिरपरिचित दर्द को महसूस किया. माय चाइल्डहुड फियर बट और क्या महसूस किया? अपने बचपन के भय को महसूस किया. यहां पर चाइल्डहुड फियर क्यों कहा गया है? इस बात को समझने के लिए यू हैव टू रिकॉल योर चाइल्ड. आपको अपने बचपन की याद करनी होगी या किसी बच्चे को देखना होगा. किस प्रकार से एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है तो वो अपने अंदर एक असुरक्षा के भाव को महसूस करता है और वो रोने चीखने चिल्लाने लगता है. आज लेखिका को जब उसे लग रहा है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में उससे उसका साथ छूट जाए, तो लेखिका अपने आप को
भयभीत महसूस कर रही है और उस भय की तुलना उस चाइल्डहुड फियर से किया गया है जो एक बच्चे के मन में अपने माँ बाप से अलग होने के कारण हुआ करती है। अब उस भाव को, उस डर को छुपाने के लिए लेखिका कवित्री क्या उपक्रम करती है, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन फ्यू लाइन्स। यू सी हियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो ये कहा कि अम्मा मैं शीघ्र ही मिलूंगी। अभी आपने पढ़ा कि उसकी माँ के चेहरे पर एक क्या था, एक पीड़ा थी, एक दर्द था, बिछुड़ने का दर्द था, अपने बेटी से बिछुड़ने का दर्द। बेटी के मन में एक भय था, वो भय कैसा था, तो बचपन के समय अपने माँ बाप से बिछुड़ने का जो भय होता है वो भय। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लड़की युवा थी। अब संत कौन किसको संतुष्ट करे, इट इज जेन्युइन दैट हु इज कैपेबल मोर विल सेटिस्फाई, जो ज्यादा सक्षम होगा वही संतुष्ट करेगा। इन सच ए सिचुएशन अ डॉटर सेटिस्फाइज हर मदर दैट आई सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी। All I did was smile, smile and smile. और उसके बाद मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। उस मुस्कुराहट में क्या था, अपने भय को, अपने दुख को, अपने दर्द को भुलाना था। As you see that after suffering a lot, some person try to smile. It doesn't mean that they are happy. आप देखते हो कि काफी दर्द सहने के बाद भी कुछ लोग मुस्कुराते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको पीड़ा नहीं है, बल्कि उस पीड़ा को छुपाने के लिए, उस दर्द को छुपाने के लिए, उस भय को छुपाने के लिए वो मुस्कुराते हैं। That's all for today. Thank you. Read carefully and watch regularly the video.